नहीं लगेगा शहर में लॉकडाउन, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। हम आपको जानकारी देते हैं कि ठाणे महानगर पालिका ने लॉकडाउन का निर्णय वापस ले लिया है। शहर में अब किस प्रकार का भी लॉकडाउन नहीं लगेगा और सिर्फ कंटेनमेंट जोन ही पाबंदी के घेरे में रहेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। हम आपको पूरी तरह से इनकी जानकारी दे रहे हैं। सोमवार देर शाम तक मानपा के एक आदेश प्रतिबंध क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश उन्होंने जारी किया था। ये बात ठाणे महानगर पालिका की है। कंटेनमेंट जोन जहां प्रतिबंध लगाया गया था वहां पर लॉकडाउन का आदेश ठाणे महानगर पालिका ने पास किया था। उस आदेश को उन्होंने मंगलवार के दिन एक दूसरा आदेश जारी करते हुए वहां से उन्होंने यू टर्न लिया। जानकारी के मुताबिक जब महानगर पालिका ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया था तब शहर में खलबली का माहौल बन चुका था। राज्य प्रशासन तक यह बात पहुंची। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने महानगर पालिका के आयुक्त यानी के डॉक्टर विपिन शर्मा को फटकार लगाई। उसके बाद डॉक्टर विपिन शर्मा ने अपने ओर से सुधारित आदेश जारी करते हुए शहर में लॉकडाउन का आदेश वापस लिया। कंटेनमेंट जोन जहां पर प्रतिबंध लगाया गया है उस एरिया में जो लॉकडाउन था उसके कैंसिल किया। केवल प्रतिबंध जोन यानी के कंटेनमेंट जोन के यहां पर उन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा और जो लॉकडाउन का आदेश था वो वापस किया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार कहीं भी लॉकडाउन करने में पक्ष में नहीं है। शहर की जनता, शहर के लोग जो असमझ की स्थिति में है, जिन्हें ये बात चिंता खाए जा रही है कि कहीं शहर में दोबारा लॉकडाउन लगेगा, तो आपको हम जानकारी देते हैं जब ठाणे महानगर पालिका में सरकार ने अपने ओर से ये कह दिया कि वहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो हमें नहीं लगता कि अब उल्लासनगर या कल्याण अंबरनाथ डोंबिवली में कहीं लॉकडाउन लगेगा। मगर हमें सरकार के नियमों की पालना करनी है। सख्ती से जो आदेश है मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हैंड वॉश का उपयोग करना है, तमाम वो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से हमें मिली हुई है उन गाइडलाइन का हमें ख्याल करना है, तब जाके हम लॉकडाउन से बच सकते हैं। मगर हम इतना आपको जरूर कहेंगे कि जिन लोगों को ये चिंता खाई जा रही थी कि लॉकडाउन होगा मगर अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये स्पष्ट हो चुका। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी।